हेलो व्यूवर्स, केबीपीएन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं लेकर आई हूँ यूपीपीजीटी प्रश्नों की अगली श्रृंखला यानी भाग 9। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, आत्मसिद्धि संप्रत्यय का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया गया। 4 ऑप्शन है जिनमें से किसके द्वारा किया गया। इसका सही आंसर है सी, मैस्लो द्वारा। आत्मसिद्धि यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये जो कॉन्सेप्ट था इसको मैस्लो ने अपने सिद्धांत आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में बताया था। आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में मैस्लो ने मनुष्य की जितनी आवश्यकताएं होती हैं उनको एक सीढ़ी के रूप में या अनुक्रम कह सकते हैं उसके रूप में बताया था। और इन्होंने कुल 5 आवश्यकताएं बताई थी: शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता, स्नेह की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता और सबसे अंत में आत्मसिद्धि की आवश्यकता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसका अध्ययन आक्रामक व्यवहार के कारण के रूप में नहीं किया गया है? सही उत्तर है इसका ए, भांग। होली पर लोग भांग का सेवन करते हैं और कभी भी भांग खा के या भांग का नशा करके लोगों में आक्रामक व्यवहार नहीं देखा जाता, जबकि इसके जगह पर फ्रस्ट्रेशन या फिर पीड़ा और अल्कोहल के द्वारा लोग आक्रामक व्यवहार करते देखे जाते हैं। और खास तौर से अगर बात की जाए अल्कोहल की तो इसकी वजह से काफी आक्रामक व्यवहार होता है। अगला प्रश्न, ऑडिपस एवं इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स मनोलैंगिक विकास के किस चरण से संबद्ध है? इसका सही उत्तर है बी, लैंगिक अवस्था। अगला प्रश्न, कर्लिंगर ने किस चर को सिर में रहने वाला चर कहा है? सही उत्तर है ए, मध्यवर्ती चर को। निम्नांकित में से कौन प्रत्यक्षीकरण का द्वार कहा जाता है? इसका सही उत्तर है बी, अवधान। अवधान या ध्यान, जिसे अंग्रेजी में अटेंशन कहते हैं, एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण के किसी भी चुने हुए ऑब्जेक्ट या पक्ष पर अपनी कॉन्शियस को फोकस करता है। यानी कि किसी चीज पर फोकस करना, यानी सबसे पहले हम ध्यान देंगे तभी हम उस वस्तु का प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं। तो ध्यान जो है वो प्रत्यक्षीकरण का द्वार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6, अकारण भय को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। कौन सी विधि अपनाई जाती है? इसका सही उत्तर है बी, व्यवस्थित असंवेदीकरण। प्रश्न संख्या 7, हेप द्वारा स्मृति की कितनी अवस्थाएं प्रस्तुत की गई हैं? इसका सही उत्तर है सी 3। कार्मिक प्रबंधन द्वंद्वों को प्रभावशाली ढंग से निपटा जा सकता है? सही उत्तर है, एक्चुअली तीनों ही तरह के तरीके हैं जिनसे कार्मिक प्रबंधन द्वंद्वों को यानी संघर्षों को दूर किया जा सकता है: समस्या समाधान उन्मुखता, समझौता करके और मध्यस्थता के उपयोग से। तो इस तरह से तीनों ही उत्तर सही हैं। तो आंसर है ए, नीचे दिए गए सभी। प्रश्न संख्या 9, आरवी अल्फा बुद्धि परीक्षण निम्नांकित में से क्या था? आरवी अल्फा परीक्षण, जो कि आर्मी भर्ती के लिए बनाया गया था, ये एक सामूहिक परीक्षण था। इसका उत्तर है बी, सामूहिक। प्रश्न संख्या 10, मनोविज्ञान में देहली का संप्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया? सही उत्तर है ए, जॉन हर्बर्ट। क्वेश्चन नंबर 11, स्टैनफोर्ड बिने स्केल का तृतीय संशोधन किस वर्ष प्रकाशित किया गया? इसका सही उत्तर है बी, 1960, यानी 1960 में। स्टैनफोर्ड बिने स्केल का पहला रिवीजन या संशोधन 1916 में, दूसरा 1937 में, तीसरा 1960 में, चौथा 1986 में और इसका लेटेस्ट रिवीजन यानी कि 5वां संशोधन 2003 में प्रकाशित किया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक ऑन द टॉप जॉब प्रशिक्षण का उदाहरण नहीं है? इसका सही उत्तर है सी, भूमिका निर्वहन। कार्यचक्रण यानी कि जॉब रोटेशन, अप्रेंटिसशिप और मेंटरिंग, ये तीनों ही तरीके ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन भूमिका निर्वहन इसमें शामिल नहीं है। मनोस्नायु विकृति मनोविकृति की तुलना में डैश होती है। मनोस्नायु विकृति यानी साइकोन्यूरोसिस और मनोविकृति यानी साइकोसिस, तो इन दोनों में कंपैरेटिवली साइकोसिस ज्यादा पीड़ादायी होता है और जो साइकोन्यूरोसिस होता है वो कम पीड़ादायी होता है साइकोसिस की तुलना में। तो इसका सही उत्तर है कम पीड़ादायी, यानी कि ए आंसर
सही है। उपलब्धि प्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य असत्य है? इसका सही उत्तर है डी, उच्च उपलब्धि वाले व्यक्ति अपनी असफलता का दोष दूसरों को देते हैं। ये जो निष्कर्ष है, ये निष्कर्ष मैकलेलैंड ने टीएटी के बेस पर, यानी टीएटी का यूज करके मापन किया था और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला था। जिन लोगों में उच्च उपलब्धि प्रेरक होता है उन लोगों में उत्कृष्टता के मानकों को पालने की इच्छा होती है। ये उपलब्धि प्रेरक के संबंध में बिल्कुल सही बात है। और उच्च उपलब्धि प्रेरक वाले व्यक्ति मध्यम कठिनाई और पूर्ण नियंत्रण वाले कार्यों को करना पसंद करते हैं। इसका रीजन ये है कि इस तरह के कामों में जिनमें कठिनाई कम होती है और कामों पर पूरा कंट्रोल होता है, उनमें सफलता की पूरी गारंटी होती है। तीसरा ये कि उच्च उपलब्धि प्रेरक वाले व्यक्ति किसी भी प्रतियोगिता में सर्वोच्च स्थान पाने का प्रयास करते हैं, ये भी सही है। लेकिन उच्च उपलब्धि वाले व्यक्ति अपनी असफलता का दोष दूसरों को नहीं देते हैं, वो अपनी असफलता के लिए अपने आप को खुद उत्तरदायी मानते हैं, खुद जिम्मेदार मानते हैं। इसलिए ये कथन जो है वो उपलब्धि प्रेरक के संबंध में असत्य है। अगला प्रश्न, पश्चगामी स्मृति भ्रंश में निम्नलिखित में से किस प्रकार की समस्याएं पाई जाती हैं? इसका सही उत्तर है ए, पूर्व अधिगमित सामग्री के पुनः स्मरण में समस्या। यहाँ मैं बता दूं, स्मृति भ्रंश जो होता है इसे एमनेशिया या स्मृति लोप कहते हैं। व्यक्ति जो भी उसकी सीखी हुई अनुभूतियां होती हैं उनको रिकॉल करने में असफल हो जाता है। ये जो एमनेशिया या स्मृति भ्रंश या स्मृति लोप जो होता है वो दो तरह का होता है, पश्चगामी और अग्रगामी। ये जो पश्चगामी स्मृति भ्रंश होता है इसमें व्यक्ति अपनी उन एक्सपीरियंसेस को अपने एलटीएम में यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी में संचित नहीं रख पाता है, जो कि मेमोरी लॉस यानी स्मृति भ्रंश के उत्पन्न करने की घटना से पहले की होती है। यानी जब व्यक्ति में स्मृति भ्रंश होता है उसके पहले जो भी घटनाएं हो चुकी होती हैं व्यक्ति उनको याद नहीं रख पाता, इसको पश्चगामी स्मृति भ्रंश कहते हैं। कई कारणों से हो सकता है, एक्सीडेंट होना यानी दुर्घटना होना, या फिर किसी बीमारी की वजह से, या किसी ड्रग वगैरह दवा वगैरह की रिएक्शन की वजह से ऐसा हो सकता है। अगला प्रश्न है, प्रजाति विशिष्ट व्यवहार का दूसरा नाम है? इसका सही उत्तर है ए, मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति के कारण किसी खास प्रजाति के सभी जीव जो होते हैं वो एक ही तरह का व्यवहार करते हैं। जैसे मछली जो है वो सारी मछलियां तैरती हैं, तो ये उनका प्रजाति विशिष्ट व्यवहार है। सारे पक्षी उड़ते हैं तो ये मूल प्रवृत्ति के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक में मनोविज्ञान के स्कूल्स हैं और सूची दो में उससे संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं, तो इनको हमें मैच करना है। गेस्टाल्टवाद से संबंधित हैं कोफ्का, संरचनावाद से संबंधित है वोंट, व्यवहारवाद पावलव, और प्रकार्यवाद जो है वो कार से रिलेटेड है। तो इस तरह से सही उत्तर हुआ 3 4 1 2। सी आंसर सही है, 3 4 1 2। अगला प्रश्न, इजार्ड के अनुसार मुखाकृति अभिव्यक्ति द्वारा किस संवेग की पहचान संभव नहीं होती है? सही उत्तर है सी, ईर्ष्या। फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा खुशी, आश्चर्य और घृणा को तो पहचाना जा सकता है, लेकिन ईर्ष्या की पहचान नहीं की जा सकती, ऐसा इजार्ड का कहना है। किस देश में हड़ताल की अवधि में भी वेतन देने की अनुमति है? सही उत्तर है डी, भारत। प्रश्न संख्या 20, दृष्टि उच्चंगता प्रयोग किस प्रक्रम में अध्ययन हेतु किए गए? सही उत्तर है ए, गहराई प्रत्यक्षीकरण। गहराई प्रत्यक्षीकरण यानी डेप्थ परसेप्शन। अगला प्रश्न, व्यवसायिक निर्देशन संबंधित संघ ILO इंगित करता है? ILO का फुल फॉर्म इनमें से कौन सा है? सही उत्तर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी बी। सही उत्तर है बी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है? प्रक्षेपण परीक्षण यानी कि प्रोजेक्टिव टेक्निक पर्सनालिटी के मेजरमेंट के लिए यूज की जाती है। इसमें सोमैटिक स्याही धब्बा परीक्षण जो है वो यूज होता है, एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है। रोशा स्याही धब्बा परीक्षण ये भी एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है, और प्रसंगात बोध परीक्षण यानी TAT ये भी एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है। सही उत्तर है इसका मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व
अनुसूची। इसे मिनेसोटा बहुचरणीय व्यक्तित्व सूची भी कहा जाता है, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री। तो इसका यूज जो है वो प्रक्षेपण विधि के रूप में नहीं किया जाता। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन एक उच्च उपलब्धि उन्मुख व्यक्तियों पर लागू नहीं होता? सही उत्तर है, अभी कुछ देर पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो उच्च उपलब्धि उन्मुख व्यक्ति होते हैं वो कम कठिनाई वाले कामों को करना पसंद करते हैं जिन पर उनका पूर्ण नियंत्रण हो। तो इसलिए डी, कठिन कार्यों का चयन, ये जो है वो उच्च उपलब्धि उन्मुख व्यक्तियों पर लागू नहीं होता। प्रश्न संख्या 24, निम्नांकित में से कौन रोजनविक चित्र नैराश्य परीक्षण के भारतीय अनुकूलन से संबंधित है? इसका सही उत्तर है सी, उदय पारीक। उदय पारीक ने रोजनविक पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट का इंडियन एडेप्टेशन किया है। रोजनविक पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट है क्या एक्चुअली? इसमें डिफरेंट टाइप के 24 कार्टून्स बने हुए हैं और इन कार्टून्स में एक कहना चाहिए बलून टाइप का बना होता है जिसमें व्यक्ति क्या वो सोच रहा है उस सिचुएशन में। ये जो 24 कार्टून्स हैं ये 24 ऐसी सिचुएशंस हैं जो कि व्यक्ति में फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न करती हैं। तो ऐसी फ्रस्ट्रेशन की सिचुएशन में व्यक्ति क्या सोचेगा उसको उस बलून में लिखना होता है। अगला प्रश्न, 10 फीट और 25 पर रखी दो समान कुर्सियों की प्रतिमा रेटिना पर भिन्न भिन्न यानी कि छोटी बड़ी बनती है, परंतु प्रात्यक्षिक अनुभव में दोनों कुर्सियां बराबर प्रतीत होती हैं। यह गोचर जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ए, प्रात्यक्षिक स्थैर्य यानी परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी। प्रश्न संख्या 26, जब व्यक्ति दूरस्थ वस्तु को देखते हैं तो आकार का आकलन डैश के द्वारा किया जाता है। सही उत्तर है सी, परिप्रेक्ष्य और वस्तु में समझौता। प्रश्न संख्या 27, ऊंचाइयों से संबंधित अतार्किक भय है, अतार्किक भय यानी फोबिया। इसका सही उत्तर है ए, एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया यानी व्यक्ति को ऊंचाई से डर लगता है। इसके अलावा जो क्लस्ट्रोफोबिया है ये व्यक्ति को बंद जगह से डर लगता है, ऑटोफोबिया जिसमें व्यक्ति को अकेलेपन से डर लगता है, और हाइड्रोफोबिया जो है वो रिलेटेड है पानी के भय से यानी पानी से व्यक्ति को डर लगता है। गहरी नींद के बीच प्रबल मस्तिष्कीय तरंग को कहा जाता है, सही उत्तर है ए, डेल्टा। प्रश्न संख्या 29, पोलियाना नियम के अनुसार, सही उत्तर है सी, अधिक सुखद घटनाओं का प्रत्यावहन कम सुखद घटनाओं की तुलना में उत्तम होता है। प्रत्यावहन यानी कि रिकॉल। मोल्टन और स्टैंग ने 1978 1978 में अपनी स्टडीज में ये पाया था कि जो भी हमारे जीवन में ऐसे मोमेंट होते हैं जो कि सुखद होते हैं, हैप्पी मोमेंट होते हैं, उनका रिकॉल जो होता है वो ज्यादा बेटर होता है मोमेंट से जो कि हमारे लिए सुखद नहीं होते या कम सुखद होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 30, प्रसिद्ध हॉथोर्न अध्ययन विशेषतः डैश से संबंधित है। सही उत्तर है सी, मेयो। मेयो या फिर इनको मायो कहा जाता है, पूरा इनका नाम एल्टन मायो। इन्होंने इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी पर जो भी अपनी स्टडीज की उनके आधार पर उन्होंने कुछ बातें बताई। इनका अध्ययन हॉथर्न स्टडी के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पद रेस कोडला से संबंधित है? सही उत्तर है ए, अनुबंधन यौगिक प्रभाव। अगला प्रश्न, अल्फा मस्तिष्क तरंगों का निर्माण तब होता है जब व्यक्ति का सक्रियकरण होता है, यानी व्यक्ति कितना एक्टिव होता है जब अल्फा ब्रेन वेव्स बनती हैं। तो सही उत्तर है इसका सी, सामान्य, यानी जब व्यक्ति बिल्कुल नॉर्मल एक्टिव होता है तब अल्फा जो मस्तिष्क तरंगे हैं वो बनती हैं, यानी व्यक्ति बहुत ही कम सक्रिय होता है सामान्य अवस्था में। अगला प्रश्न, समूह जो प्रायोगिक समूह के समान होते हुए भी स्वतंत्र परिवर्त से वंचित है किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है सी, नियंत्रित समूह। नियंत्रित समूह वो समूह है जो कि पूरी तरह से प्रायोगिक समूह के समान होता है लेकिन फिर भी इसको स्वतंत्र जो चर होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो नहीं दिया जाता। सीवीसी का अधुनातन रूप है, सही उत्तर है डी, ए एवं बी दोनों यानी सीसीवी और बी यानी सीसीसी। ये सीसीवी और सीवीसी ये क्या है? सीवीसी
यानी कि 3 अक्षर का एक वर्ड बनाया जाता है जो कि मेमोरी नापने के लिए होता है, मेमोरी के मापन के लिए होता है। इसमें कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट, यानी पहला जो अक्षर होगा वो कॉन्सोनेंट होगा, बीच वाला अक्षर वॉवेल होगा और लास्ट वाला अक्षर फिर कॉन्सोनेंट होगा। उसकी जगह पर आजकल यूज किया जाता है CCV, यानी कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वॉवेल, या फिर CCC, यानी कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट। वस्तुनिष्ठ संघर्ष है, इसका सही आंसर है ए, एक ऐसा संघर्ष जिसमें एक समूह को अधिक लाभ प्राप्त होता है जबकि दूसरे समूह को कम लाभ प्राप्त होता है। वस्तुनिष्ठ संघर्ष जिसे ऑब्जेक्टिव कन्फ्लिक्ट कहते हैं, इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट यानी कि अंतर सामूहिक द्वंद का एक प्रकार है, टाइप है। अंतर सामूहिक द्वंद या इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट के 3 टाइप्स होते हैं, एक है आपका प्रत्यक्ष संघर्ष, दूसरा है वस्तुनिष्ठ संघर्ष और तीसरा है आत्मनिष्ठ संघर्ष। तो ये जो वस्तुनिष्ठ संघर्ष होता है, इसमें दो समूहों के बीच में ऐसा संघर्ष होता है जिसकी वजह से एक समूह को ज्यादा लाभ होता है और दूसरा समूह जो होता है वो कम लाभ की स्थिति में होता है। कथन ए, तनाव एवं क्रियाशीलता की अवस्था प्रणोद है। कारण आर, कुछ चीजों के अभाव अथवा अति से प्रणोद की उत्पत्ति होती है। इसका सही उत्तर है बी, दोनों सही है, यानी कथन और कारण दोनों ही सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 37। ऑपरेंट कंडीशनिंग पद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? सही उत्तर है सी, स्किनर। स्किनर ने चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और ऑपरेंट कंडीशनिंग बताया था। द नेचर ऑफ प्रेजुडिस पुस्तक के लेखक हैं। सही उत्तर है सी, ऑलपोर्ट। अगला प्रश्न, शरीर का कौन सा भाग प्यास के अनुभव के लिए उत्तरदायी है? सही उत्तर है डी, वृक्क। पावलव के प्राचीन अनुबंधन अध्ययनों में अनुबंधित अनुक्रिया थी? सही उत्तर है बी, घंटी के प्रति उत्पन्न लार स्राव की अनुक्रिया। ओ बिहेवियर इज परपजिव, यह किसका कथन है? सही उत्तर है सी, टोलमैन। भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई थी? मनोविज्ञान शब्द टाइप होने से रह गया है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जो भारत में है वो कहाँ स्थापित हुई थी? तो इसका सही उत्तर है बी, कलकत्ता, यानी कि कोलकाता विश्वविद्यालय। उस समय कलकत्ता यूनिवर्सिटी कहा जाता था, अब उसका नाम बदलकर कोलकाता हो गया है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, यानी कोलकाता यूनिवर्सिटी में 1916 में नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता ने, जिनको NN सेन गुप्ता भी शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, इन्होंने इस प्रयोगशाला की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, संवेग में हाइपोथैलेमस की भूमिका से संबंधित प्रायोगिक अध्ययनों के परिप्रेक्ष्य में निम्नांकित में से कौन बेमेल है? सही उत्तर है डी, जेम्स। वस्तुओं को और उनके अर्थ को पहचानने में असमर्थता मस्तिष्क क्षरण डैश की विशेषता है। सही उत्तर है डी, संवेदनहीनता। कैटल ने कुल कितने व्यक्तित्व गुणों को प्रतिपादित किया? सही उत्तर है सी, 16। कैटल के परीक्षण का नाम भी है 16 PF, यानी 16 personality factors, यानी 16 व्यक्तित्व कारकों को मापने के लिए इन्होंने अपना परीक्षण बनाया था। संवेग के निम्नांकित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत लेजारस द्वारा प्रतिपादित किया गया है? सही उत्तर है ए, संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत। संवेग के निम्नांकित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत लेजारस द्वारा प्रतिपादित किया गया है? सही उत्तर है ए, संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत। प्रश्न संख्या 47, मार्लो एवं क्राउनी का प्रसिद्ध प्रयोग निम्नलिखित में से किस अभिप्रेरक पर आधारित है? इसका सही उत्तर है बी, अनुमोदन। अनुमोदन जिसे अप्रूवल मोटिव भी कहा जाता है, क्राउनी तथा मार्लो ने अनुमोदन प्रेरक यानी अप्रूवल मोटिव को स्टडी करने के लिए एक स्केल बनाया था जिसे इन्होंने नीड फॉर अप्रूवल स्केल कहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व प्रकार बोगार्ड्स के नेतृत्व वर्गीकरण में शामिल नहीं है? सही उत्तर है डी, सिद्धांतवादी नेतृत्व। बोगार्ड्स ने अपने नेतृत्व का जो वर्गीकरण किया है उसमें उन्होंने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नेतृत्व, ये भी है,
सामाजिक कार्यकारिणी एवं मानसिक नेतृत्व ये भी एक प्रकार है। सपक्षी और वैज्ञानिक नेतृत्व ये भी उनके वर्गीकरण में है, लेकिन सिद्धांतवादी नेतृत्व उनके वर्गीकरण में नहीं है। इसकी जगह पर उनके वर्गीकरण में पैगंबर, संत, विशेषज्ञ और बॉस ये वर्गीकरण है। निम्नांकित में से किसने अभिप्रेरणा से संबंधित सूत्र TS=MS×PS×IS प्रतिपादित किया था? सही उत्तर है डी एटकिंसन। एटकिंसन ने ये सूत्र जो है वो अपने उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत में दिया है। इस सूत्र के अनुसार कोई भी जो एक्टिविटी या गतिविधि जो होती है उसके होने की टेंडेंसी तीन फैक्टर्स पर बेस्ड होती है। ये तीन फैक्टर्स क्या है ये उन्होंने अपने सूत्र में बताए हैं। यहाँ पे TS का मतलब होता है टेंडेंसी टू अप्रोच एन एक्टिविटी, यानी किसी एक्टिविटी या किसी गतिविधि तक पहुंचने की जो टेंडेंसी है वो थ्री फैक्टर्स पे बेस्ड है। थ्री फैक्टर्स कौन से हैं आप देख लीजिए। MS यानी कि द मेथड फॉर सक्सेस, यानी कि नीड ऑफ सक्सेस, व्यक्ति को सफलता की कितनी जरूरत है। दूसरा है इसका PS यानी द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सक्सेसफुल, यानी सफल होने की कितनी संभावना है। जितनी ज्यादा संभावना होगी व्यक्ति उतना ही ज्यादा अप्रोच करेगा। और लास्ट है IS यानी कि द इंसेंटिव वैल्यू ऑफ सक्सेस, यानी सफलता का जो प्रोत्साहन मूल्य है, सफलता की कीमत कितनी है। जितनी ज्यादा प्रोत्साहन मूल्य यानी कीमत होगी उतना ही व्यक्ति सफलता के लिए प्रयास करेगा। और इस पार्ट का अंतिम प्रश्न है, वाचिक अधिगम के प्रयोग में कौन सा उपकरण प्रयोगशाला में प्रमुख रूप से उपयोग में लाया जाता है? सही उत्तर है ए मेमोरी ड्रम। सो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आज का ये जो UPPGT का पार्ट है वो आपके लिए यूजफुल होगा। आप इसे देखेंगे और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।